ये वो लड़की है जो सोशल मीडिया के ऊपर सारा साल बेहयाई फैलाती है, और मुहर्रम के 10 दिन एहतराम करना चाहिए मुहर्रम का, और 10 दिन आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए। जब आप मुहर्रम के अंदर इमाम बरगाह के अंदर जाती हो और अल्लाह पाक के साथ जाकर वीडियो बनाकर अपलोड करती हो चंद व्यूज की खातिर, बेशक आपने अल्लाह को जान नहीं देनी, आप कुछ खुदा का खौफ करें, आप ऐसी वीडियो ना बनाए ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेडिसन और मेरे YouTube चैनल देख रहे हो अवेलेबल हो जो। शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये महक नामी लड़की है जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाती है। पर वीडियो बनाना हरगिज़ ये नहीं है कि किसी की दिल आजारी हो सके। हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि इसको सबक मिलना चाहिए, इसको ये दोबारा नहीं करना चाहिए जिस तरह ये कर रही है। तो अब ये चली गई है इमाम बरगाह के अंदर और अलमे पाक के साथ और मुख्तलिफ जगह पर, मतलब के नुए और कसीदे लगाकर ये वीडियो बना रही है। तो ये 10 दिन के लिए ये कर रही है, और 10 दिन के बाद इसने क्या करना है। हम मुहर्रम और हराम की वजह से इसको कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहते, और मुहर्रम के एहतराम में हम इसके ऊपर कोई ऐसी तंकीद नहीं कर रहे, लेकिन इसकी जो जिंदगी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये क्या है और अब ये क्या बन रही है 10 दिन के अंदर। तो 10 दिन के अंदर ये जिस तरह दरबारों के अंदर, जिस तरह ये इमाम बरगाहों के अंदर, जिस तरह ये अलमों के साथ वीडियो बना रही है, तो मेरी सिस्टर आपको सारा साल ऐसे करना चाहिए, इंशाल्लाह आपके व्यूज आएंगे। और आप कर रही हो ये व्यूज की खातिर, वो क्यों कर रही हो कि अब सॉन्ग या वो आपके चलने नहीं है टिकटॉक के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप मेरी सिस्टर आप यही कर रही हो कि अलम के साथ और किसी ना किसी जगह चले गए, इमाम बरगाह चले गए, मस्जिद के साथ चले गए और वहां पर जाकर वीडियो बना दी। तो अब चलते हैं आपकी पहले की वाली जिंदगी के ऊपर। आपकी हमारे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है जो हम कह सकें। आपकी इतनी बुरी वीडियो है, इतनी बुरी वीडियो है जिसकी इंतहा भी नहीं है। ये तो मैंने वो वीडियो उठाकर साइड के साथ चला रहा हूँ, कुछ ना कुछ भी ठीक है, लेकिन और जो वीडियो इसकी हैं इनसे भी घटिया हैं। हम उनका अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे वो लगाते हैं ना, तो चैनल का मसला हो जाना था, जिस वजह से हमने ये वीडियो लगाई है। तो ये वीडियो चेक करें, जिस तरह आप बेहयाई फैला रही हो, आपने कई वीडियो के अंदर शलवारें नहीं पहनी हुई, वीडियो के अंदर हरकतें कर रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए और आपके घर वालों को भी डूब कर मरना चाहिए। इस तरह की हरकतें करके आप सोशल मीडिया के ऊपर चंद व्यूज कमा रही हो और उसके बाद मुहर्रम और हराम के अंदर आप ये वीडियो बना रही हो। वो जिस तरह कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है, लेकिन आपके अंदर तो वो दोनों भी नहीं है। हमने तुझे इसके अंदर हकीकत बताई है, जो हकीकत है। अगर हमारी किसी को वीडियो बुरी लगी है तो हम उसके लिए मदद करवाएं, और हमारी आपके ऊपर तनकीद करना नहीं है। हमने आपको सबक सिखाना है कि ये आप ऐसी हरकतें छोड़ दें। आप वीडियो बनाती हैं हिजाब में बना लें, आप वीडियो बनाती हैं तो किसी और तरीके से बना लें, लेकिन आपने ये जो हरकतें कर रही हो और ये हरकतें देखें, और आप मुहर्रम और हराम के अंदर जो आप वीडियो बना रही हैं उनके ऊपर जाएं, तो आपने अल्लाह को जान देनी है। और इन जैसी लड़कियां जो और हजारों लड़कियां हैं वो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैला रही हैं, और इनके खिलाफ उलमा को भी आवाज उठानी चाहिए। और मेरी वीडियोज को जितना हो सके इसको शेयर करें कि आला मुकाम तक पहुंच सके और इन जैसी लड़कियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जितने मुसलमान ये वीडियो देख रहे हो, जितने अहले तशरीह देख रहे हो या अहले सुन्नत देख रहे हो, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इन जैसी लड़कियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमें बदनाम कर रही हैं। और जो इनकी जो वीडियो है ये दूसरे मुल्क के लोग देखते होंगे, और जब इनकी ये चंद वीडियो, दो से तीन वीडियो, जब ये देखकर जैसे ये इसकी पीछे वाली जिंदगी पर जाते होंगे, तो ये देखकर हैरान रह जाते होंगे कि ये क्या कर रही है और ये क्या कर रही है। तो और ये जिस तरह के अकाउंट हैं और ये जिस तरह की लड़कियां, इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।